हाय दोस्तों, इस समर अपनी बाइक को फायर प्रूफ कैसे कर सकते हैं? ऐसी कौन सी पांच चीजें हैं जिससे कि आप अपनी बाइक पे जो आग लगने की प्रॉब्लम है ना, उसको अवॉइड कर सकते हैं, वो इस वीडियो में जाने वाले हैं। समर जो है आ चुका है, समर में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कई जगह 40 डिग्री प्लस जो है टेम्परेचर हो चुका है। एंड अगर आपकी राइड 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्लस अगर होती है तो दोस्तों ये वीडियो में आपको ये पांच पॉइंट जानने चाहिए और अपने बाइक में चेक भी करनी चाहिए, चाहे आपका रॉयल एनफील्ड हो चाहे दूसरी कोई बाइक हो। अपनी बाइक को इस तरह से अगर मेंटेन करते हैं ना, तो ये जो फायर लगने वाला या ओवरहीट का जो इंजन का प्रॉब्लम होता है ना, ये सब प्रॉब्लम को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी पांच चीजें आपको करनी है, चलिए जानते हैं। दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग ये पांच डिटेल आपको दूं, उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसी जो वीडियोस हैं ना अपने टाइम टाइम बना सकूं। दोस्तों फर्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। कभी भी अपना फ्यूल टैंक फुल फिल जो है नहीं करना चाहिए, वो कैप से ऊपर तो खास तौर से नहीं करना चाहिए। जो भी BS4 या BS4 के ऊपर की बाइक है, BS6 बाइक है, जो अभी करंटली बाइक है, इन सभी बाइक्स में दोस्तों जो पेट्रोल अभी यूज किया जा रहा है, पेट्रोल जो है वो तो इथेनॉल भी होता है उसके अंदर, और इथेनॉल जो है जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, इवेपोरेट होने से क्या होता है कि एक गैस जो है टैंक में क्रिएट होती है, तो हमेशा अपने टैंक को जो है 70-80% तक ही फिल कराइए। ठीक है, अगर आपका 10 लीटर का टैंक है तो 7-8 लीटर ही कराना है, 2 लीटर का जो है स्पेस छोड़िए ताकि वो गैस जो है टैंक में रह सके, कैनिस्टर जो है उसको चारों कैनिस्टर जो है सक कर सके और उसको रीयूज कर सके। अगर आप पूरा फिल करा देते हैं टैंक में, एक प्रेशर बनता है क्योंकि वेपरेशन भी एक प्रोसेस है जो कि पेट्रोल में होती है। ठीक है, एंड वो गैस जब नहीं निकल पाती तो एक प्रेशर बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से आपकी बाइक जो है मिसिंग मार सकती है, मिस फायरिंग हो सकती है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है आपको देखने में मिल सकती है। तो हमेशा टैंक में जो है कम से कम फ्यूल फिल करिए, एंड अगर आप कैप जो है लीकेज है तो वो भी एक बार चेक करा लीजिए। तो दोस्तों ये तो रहा फर्स्ट पॉइंट, जो कि आपको टैंक में ओवर फ्यूल जो है पेट्रोल जो है फिल नहीं करना है, ताकि एक प्रेशर जो है बिल्डअप टैंक में ना हो। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंजन के कूल से रिलेटेड। इंजन जितना ज्यादा कूल रहेगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा, तो उसको रखने के लिए आपको इंजन ऑयल जो है वो प्रॉपर ग्रेड का फिल करना है, या अगर आप रॉयल एनफील्ड है 15W50 अगर रिकमेंड किया हुआ है तो 15W50 या उससे ऊपर के ग्रेड आप यूज कर सकते हैं, उससे लो ग्रेड नहीं कर सकते। अगर आप उससे लो ग्रेड करेंगे तो मे बी इंजन की विस्कोसिटी जो है, जो थिकनेस ऑयल का है, जो इंजन ऑयल का है, वो मेंटेन ना रह पाए, इंजन जो है उतना कूल ना हो, ओवर हीट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। ऑयल लेवल को मेंटेन रखिए, जितना मैक्सिमम लेवल तक है उतना रखिए, ओवर इंजन ऑयल भी फिल करना प्रॉब्लम होता है, तो ये भी आपको मेंटेन करना है। एक बार इंजन ऑयल लेवल जो है, जहां लेवल चेकर होता है वहां से आप एक बार ग्लास से चेक कर लीजिए कि इंजन ऑयल जो है लो ना हो गया हो एंड मैक्सिमम से ऊपर ना हो गया हो, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है तो चल जाएगा। तो इस तरह से एक बार वो भी चेक कर लीजिएगा कि इंजन ऑयल लेवल प्रॉपर है। अगर जिनकी गाड़ी लिक्विड कूल है या फिर ऑयल कूल है, तो ऑयल कूल और लिक्विड कूल का रेडिएटर जो है वो भी क्लीन करवा लीजिए, एक कूलेंट जो है उसमें वो भी चेक करा लीजिए। तो इंजन ऑयल का जो ये पॉइंट है, इसमें भी थोड़ा सा इंस्पेक्शन जो अगर आप करते हैं ना, तो ये जो फायर की प्रॉब्लम है उसको अवॉइड कर सकते हैं। एंड दोस्तों थर्ड पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इसके वजह से ही लास्ट ईयर जो है बहुत सारे फायर प्रॉब्लम हुए थे, आग लगने की प्रॉब्लम इसकी वजह से बहुत आई थी, वो है ओवर मॉडिफिकेशन। अपनी बाइक में ओवर मॉडिफिकेशन जो है वो बिल्कुल अवॉइड करिए, कोई भी ऐसी मॉडिफिकेशन जिससे कि एयर जो है इंजन पे ना आ रहा हो, वो वाला मॉडिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं कराना है। सामने से एयर ट्रेवल करता है एंड जितने जो इंजन के फिन्स होते हैं उसमें टकराता है, एंड उसकी वजह से इंजन जो है वो कूल रहता है। एंड अगर आप उसके सामने कोई ऑब्स्टिकल रख रहे हैं या ऐसा कुछ चीजें आप मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसके वजह से इंजन जो है प्रॉपरली कूल नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड उसकी वजह से ओवर हीट जो है प्रोड्यूस होगी एंड ये फायर लगने की प्रॉब्लम हो सकते हैं। एंड एक और चीज इसी मॉडिफिकेशन पॉइंट में ही ऐड करना चाहूंगा, कोई भी ऐसा मॉडिफिकेशन जो इंजन के एकदम पास से जा रहा हो और वायर हो, ठीक है, जो इंजन में टच भी हो रहा हो, ऊपर से टैंक के नीचे से साइड से कोई भी ऐसा वायर टच हो रहा हो, या वायर के कोई ज्वाइंट हो जहां पर इंजन के आसपास टैंक के आसपास में हो, जिसमें कि टेप जो है धीरे धीरे मालूम है रिमूव हो जाता है, तो ऐसे ज्वाइंट्स को भी इंस्पेक्शन कर लेना है। एंड अगर वहां पे लग रहा है कि टेप यार निकल रही है, तो वहां पर एक टेप रोल लगा दीजिए, ताकि कोई भी दो वायर ज्वाइंट करके जो स्पार्क्स होते हैं ना, वो सब इंजन के आसपास ना हो। अब दोस्तों फोर्थ पॉइंट जो आता है वो थोड़ा सा राइडिंग स्टाइल को लेके है। दोस्तों हाई स्पीड राइडिंग जो है समर में खासतौर से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि समर में हीट ऑलरेडी होता है, गर्म हवाएं भी जो है गर्म होती है, इवन सामने से लू चल रही होती है, कई बार हाईवे पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा ब्लर ब्लर दिखाई देता है, तो क्योंकि वो जो जो चारकोल होता है वो बहुत ही गर्म होता है,
एंड रोड्स गर्म होती हैं, उसके वजह से हवा जो आ रही होती है वो भी गर्म होती है, तो ओवर एंड हाई स्पीड राइडिंग जो है वो बिल्कुल भी अवॉइड करिए। एक इकोनॉमिक स्पीड में अगर आप राइड करते हैं तो इंजन जो है थोड़ा कोल भी रहता है, इजीली जो है ठंडा भी हो जाता है, और वो जो स्पीड अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपको प्रॉपर माइलेज मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्रोस चीज़ें हैं। अगर आप रफ राइड करते हैं तो उसमें माइलेज भी इफेक्ट करती है, इंजन भी ज़्यादा हीट जो है करता है, एंड इंजन अगर हीट कर रहा है तो आपकी बाइक भी जो है पूरा जो है पूरी हीट जो है आपको फील आपकी बॉडी में होगा। तो ओवर स्पीड राइडिंग जो है बिल्कुल अवॉइड करिए, ठीक है, खास तौर से समर में। समर में अगर आप अवॉइड करते हैं तो ये फायर के प्रॉब्लम जो है उसको कई हद तक अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट जो है वो है, अगर आप बाइक चला रहे हैं एंड आपके बाइक के पास में से ज्यादा पेट्रोल की स्मेल आ रही है आपको, तो एक चीज बोलूंगा कि अगर पेट्रोल की स्मेल आ रही है तो डेफिनेटली अपने टैंक चेक करिए, ठीक है, क्योंकि टैंक में जो है ज्यादा गैस बन रहा है या कहीं ना कहीं से लीकेज है। अगर आप जब भी राइड करके आते हैं और टैंक के में से पेट्रोल की स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है ना, तो दोस्तों आपको टैंक का एक बार सील चेक कराना चाहिए, कैप का सील जो है, मतलब वो कुछ ना कुछ वहां से ब्रेक हो गया है या फिर टैंक जो है प्रॉपरली सील नहीं है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है और कभी भी आपका हल्का सा भी स्पार्क आपको मिल जाएगा ना ऐसी जगह पे, तो गाड़ी में आग लगने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। एंड आपने जब भी देखा होगा टैंक के पास में जैसी आग लगती है तो एकदम से फायर जो है ऊपर तक जाती है, ठीक है, क्योंकि वो जो गैस होती है ना दोस्तों वो भी कैच आग जो है पकड़ लेती है। तो अगर आपके आपके बाइक के आसपास में जैसे आप राइड कर रहे हैं या राइड करके आते हैं और देखते हैं तो पेट्रोल की स्मेल ज़्यादा आ रही है, तो उसको भी एक बार चेक डेफिनेटली करवाइए कि टैंक में कोई लीकेज या ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज इसके प्रॉब्लम की वजह से भी जो ये फायर प्रॉब्लम्स है ना बहुत जल्दी हो जाते हैं। एंड यही थे वो 5 पॉइंट जो आपको अपने बाइक में कराने हैं। बहुत इजी पॉइंट्स हैं, आप इजीली जो है चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने बाइक का प्रॉपर सर्विस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें इंस्पेक्ट कर लेते हैं, ओवर फ्यूल फिल नहीं कराते हैं, ओवर मॉडिफिकेशन नहीं कराते हैं, कोई भी वायर अल्टरेशन है जहां पर जॉइंट लगा हुआ है वो जॉइंट कवर चेक कर लेते हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो जो फायर का प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से अवॉइड जो है आप कर सकते हैं। एंड ये जो फायर का प्रॉब्लम है ना सिर्फ रॉयल एनफील्ड में ही नहीं है, बाकी बहुत सारी बाइक्स में, किसी बाइक्स में भी हो सकता है, क्योंकि ये सारे एमिशन नॉर्म्स जो ऐड किए गए हैं, जो बेनिफिट के लिए ऐड किए हैं, उसके प्रो एंड कॉन्स भी होते हैं, तो वो सब जरूर चेक करिए। एंड ये 5 पॉइंट अपनी बाइक में डेफिनेटली चेक करिएगा, एंड कमेंट करिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड ऐसा कोई सजेशन हो आपको डेफिनेटली कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है, ठीक है, यहाँ वीडियो कनेक्ट करते हैं। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए आते रहेंगे।